आज सारा मुल्क शोक मना रहा है। जैसा कि आपको पता ही है कि कलकत्ता के करीब शालीमार स्टेशन से निकली ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो कि नंबर 12841 के नाम से जानी जाती है, वो जाकर बहानगर बाज़ार के पास, जो कि उड़ीसा के बालासोर में है, वहाँ डिरेल हो जाती है। बताया जा रहा है कि 3 कोनिया ये हादसा है। वहाँ से यशवंतपुर हावड़ा की ट्रेन आ रही थी और पास ही एक ट्रैक में मालवाहक गाड़ी थी, डब्बे पे डब्बे चढ़ जाने का हादसा दिखाया गया है, बताया गया है। जैसे तस्वीरें आ रही हैं, बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें आ रही हैं। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इस मामले में जो आहत हुए हैं, जिनकी जान गई है, उनके लिए अश्विनी वैष्णव ने, जो कि रेलवे मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी अनाउंस किया है कि 10 लाख रुपए मरने वालों को मुआवजा मिलेगा, 2 लाख रुपए गंभीर तौर पर इंजर्ड होने वालों को मुआवजा मिलेगा और 50,000 रुपए जो मामूली तौर पर इंजर्ड हुए। आपको बता दें, फिलहाल नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने मामले का स्टॉक लिया है। वो कंट्रोल रूम से जाके पूरे मामले पर नज़र रख रहे हैं और उनका कहना है कि वो कल सुबह साइट पे जाएंगे। फिलहाल के लिए कटक के और बालासोर के जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, डॉक्टरों की टीम वहाँ पहुँच चुकी है और 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस जगह पे मौजूद है। बताया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या अभी तक लगभग 200 तक पहुँच सकती है। जो घायल है, घायलों को पहुँचाया गया है हॉस्पिटल में, घायलों का इलाज चल रहा है। साथ में आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि वो अश्विनी जो कि रेल मिनिस्टर हैं, उनसे बात कर रहे हैं। आपको साथ में ये भी बताना चाहेंगे कि ये शायद इस साल का, साल 2023 का बंगाल से निकलने वाली ट्रेन। साथ में ममता बनर्जी, सीएम ममता बनर्जी का भी ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि बंगाल के रहने वाले इस ट्रेन में जा रहे थे, बड़ा हादसा हुआ है। उन्होंने नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा के सीएम हैं, उनसे भी बात की, इस मामले का पूरा हालचाल ले रहे हैं, उनकी दुआओं के साथ है। साथ साथ आपको बता दें कि जो इमरजेंसी कंट्रोल रूम नंबर है, बंगाल के मिनिस्टर और कलकत्ता के मेयर फिराद हकीम ने भी नंबर साझा किया और साथ में जो रेलवे ने जो नंबर्स डाले हैं वो भी आप देख लें कि यहाँ पे है। अगर आपका अपना कोई है या फिर आप जानते हैं, कोई जानने वाला है, तो ये नंबर ज़रूर शेयर करें उनके साथ में। अगर कोई तकलीफ में, परेशानी में है, तो उन्हें बताएं कि इस नंबर पर वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल की जो सबसे बड़ी खबर है कि जितने घायल हैं उन्हें नज़दीकी हॉस्पिटल में, चाहे वो बालासोर हो या वहाँ से कुछ दूर कटक हो, वहाँ तक लेके जाया जा रहा है। कल सुबह नवीन पटनायक उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर जाएंगे वहाँ पे दौरे में और फिलहाल आहत की क्या संख्या होगी या कैजुअल्टी कितनी होगी, कितने लोगों की मौत होगी, ये बोलना मुश्किल है। लेकिन ये ज़रूर है कि अभी तक बता दिया गया है तकरीबन 200 लोगों की मौत हुई है, हो सकती है। फिलहाल के लिए हम यही उम्मीद करेंगे कि जितने कम से कम नुकसान हो सके उतना बेहतर, लेकिन जो आहत हैं या जिनको चोटें आई हैं या जिनको गहरे तौर पर चोट आई है, सरकार ने उन्हें 10 लाख रुपये का मुआवजा, जो मर चुके हैं और जो जिंदा हैं और गहरी चोटें आई हैं उन्हें 2 लाख रुपये का मुआवजा, और जिन्हें हल्के तौर पर इंजुरीज आई हैं उन्हें 50,000 रुपए का मुआवजा अनाउंस कर दिया गया है।